Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अच्छा, बैंक अकाउंट जो है ये मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, जैसे HSBC है जो USA में HSBC अकाउंट है, वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट करता है, आपको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत भी नहीं है, एज लॉन्ग एज यू मीट ऑल देयर डिटेल्स विच इज लाइक EIN नंबर जो कि अभी आपने जनरेट किया उनके थ्रू, LLC डिटेल्स एंड ऑल दोस। सो इसमें से आपको क्या चाहिए? चॉइस चेकिंग बेसिकली दिस इज आइडियल फॉर यू। आपको एडवांस चेकिंग, प्रीमियम चेकिंग कोई जरूरत नहीं है, और चॉइस चेकिंग में आपको फिजिकली पेरेंट्स की भी जरूरत नहीं होती। तो आपने यहाँ से अप्लाई करके अकाउंट बेसिकली अपना बनाना है, और आपने वही चीजें देनी है जो कि आपने अपनी LLC की डिटेल्स दी थी अभी, जहाँ से LLC क्रिएट की थी। इसमें से बैंक ऑफ अमेरिका भी है, वो भी बेसिकली ऑनलाइन एक्सेप्ट करता है। जो मेरे भाई हैं उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट ओपन किया हुआ है पाकिस्तान में रहते हुए। सो मैं अपनी एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज आई वाज इन यूके, सो मैंने वहाँ से खुद से क्रिएट कर लिया था, बट बेसिकली इस तरह से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं आप, साइन अप कर सकते हैं ऑल दोस थिंग्स, राइट। इसी तरह सिटी बैंक है, ये कुछ लिंक है, यहाँ से भी बेसिकली अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं USA के अंदर। तो इसमें अगेन आप अपनी LLC के अगेंस्ट अकाउंट रजिस्टर किया, और आपको इसमें ये सब तरीके उस सूरत में है जब आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, राइट। यू कीप मेंशनिंग दिस, अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी नहीं कर रहा तो आप बेसिकली इसके थ्रू आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, इसके सेल फोन आपको चाहिए, अमेरिकन नंबर चाहिए ना, जो मैजिक जैक काफ़ी चीप है, तो लोग बेसिकली ये आपको मोबाइल नंबर मैजिक जैक देता है। तो आपके पास सिर्फ इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए, एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हैं मैजिक जैक, और ये बेसिकली मोबाइल ऐप के ऊपर कॉल आती है, और ये $35 है इसकी फीस, और 12 महीने फ्री है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल, और काफ़ी अच्छी ये चीज़ है। ये स्टिल वी आर यूजिंग दिस एट द मोमेंट, और मतलब फॉर नो रीज़न वी कांट कंप्लेन, सो इट्स वेरी गुड। सो मैजिक जैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस आई वुड से। 30 days फ्री है, अगर आपने यूज़ करना है, आपको नहीं अच्छा लगा तो आप ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर मुझे और दें, सिर्फ मुझे ये कवर करने दें EIN। जैसा कि आपने देखा था कि यार जो कि LLC क्रिएट करते हुए EIN जो नंबर था, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आप चाहते हैं यार कि मैंने नहीं उसको पे करना, मैं खुद से हैसल लेता हूँ, मैं खुद करता हूँ सारा, राइट। सो इसमें स्टेप क्या है कि EIN नंबर जो है वो आप सबसे पहले आपने US मेलिंग एड्रेस लेना है, जैसा कि जो कि आपने ऑलरेडी ले लिया होगा, US मेल 1 से ले सकते हैं, या अर्थ में अर्थ क्लास जो अभी आपको बताई थी। इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है? IRS फॉर्म, ये एक वेबसाइट है, ये मैंने आपको मतलब अभी सी लिंक दिए हुए हैं जब आप देखिएगा। तो इसमें बेसिकली डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट एवरीथिंग परफेक्ट, बेसिकली ऑल यू नीड इज जस्ट ऑल टू गेट योर EIN बेसिकली। सो आपने क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये फिल कर लेंगे, राइट, तो आपने ये ऑनलाइन फॉर्म है, तो उसके बाद फिल करने के बाद आपने कॉल करनी है IRS को। सो आप गूगल से गूगल वॉइस, स्काइप और कोई भी मतलब जो है कॉल कर सकते हैं, और नंबर इनका ये है, सो +1 267 ये नंबर है, और ये 24 आवर्स नहीं है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस टाइम में ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कॉल करें, एंड 1 प्रेस कीजिएगा उसके बाद, और होल्ड जो होगा बिटवीन 15 to 45 मिनट्स होता है। डोंट रन आउट ऑफ स्काइप क्रेडिट और वट एवर यूर यूजिंग, एंड व्हेन यू फाइनली गेट टू द एजेंट जो कि आपसे बात करेगा, तो बेसिकली आपने उसको कहना है कि आप फॉरेन नेशनल हैं, आप ने EIN के लिए रजिस्टर्ड होना है। वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो उसकी कॉल का मकसद, वो जो बंदा है जब जो भी उठाता है उसका सिर्फ यही पर्पस है कि वो कहेगा जी आपने फॉर्म फिल कर लिया है, आपका फॉर्म रेफरेंस नंबर मांगेगा, और बेसिकली आपको कहेगा कि अपना EIN लिखो, और उसको आपको लूज करने के लिए आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर बन गया है, जो कि अमेरिका में आप बेसिकली अपने लिए यूज कर सकते हैं। और नाउ यू ऑब्वियसली यू हैव EIN, और EIN जब आ जाता है तो यू बेसिकली आप इजिली कोई इशू नहीं है। Amazon आपको 1000 दफ़ा भी चैलेंज आपको Amazon करे, आप उसको आंसर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास EIN नंबर आ गया। और अगर आपने ये हैसल नहीं देनी तो आप वो जूम वाली कंपनी को कह सकते हैं यार मेरे पास पैसे हैं तो मैं आपको LegalZoom भाई आप मेरे लिए ये EIN जनरेट कर दो। राइट, सो इसमें बेसिकली ये तरीके हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।